सो आज हम लोग परसेवल फॉर्मूलाज को डिटेल्स में देखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू परसेवल द फॉर्मूला इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी टू प्लस सी एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स हाफ ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. हम लोग जानते हैं कि ए नॉट ए एन और बी एन ये सब ये जो क्या है ये हमारे सारे फूरियर कोफिशिएंट्स हैं. अब इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे. सो एज वी नो दैट फ्रॉम द फूरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एफ एक्स. चूंकि हम लोग को जो प्रूव करना है उसमें एफ एक्स का स्क्वायर है इसलिए दोनों तरफ हम लोग एफ एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टर्म हो जाएगा एफ एक्स मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू एफ एक्स समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई सी प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी. Now integrating term by term from minus c to c means हर एक टर्म को एक एक करके हम लोग इंट्रीगेट करेंगे from the limit minus c to plus c. So we have integration minus c to plus c fx mod of fx square dx is equal to a naught by 2 minus c to plus c fx dx summation n is equal to 1 to infinity a n minus c to plus c fx cos n pi x c dx plus summation n is equal to 1 to infinity bn minus c to plus c fx sin n pi x dx pi c. Now using the following results, ये results हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. सो माइनस सी टू प्लस सी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है सी ए नॉट. इस तरह से माइनस सी टू प्लस सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है सी एन. एक्चुअली ए नॉट का वैल्यू होता है 1 बाई सी टाइम्स माइनस सी टू प्लस सी एफ एक्स डी एक्स. तो अगर हम लोग सी को ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, ये सेकेंड आएगा और ये थर्ड आएगा. इस तीनों को वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा टर्म्स हो जाएगा माइनस सी टू प्लस सी एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी ए नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी एन स्क्वायर प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी सी बी एन स्क्वायर. तीनों टर्म में सी जो है वो हमारा कॉमन है सो कॉमन ले लिए. सो पहला टर्म हो गया ए नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस इस दोनों में टर्म में समेशन कॉमन ले लेंगे तो समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. सो दिस इज परसेवल फॉर्मूला. नाउ लेट्स टेक सम द स्पेशल केसेस ऑफ परसेवल फॉर्मूला. द फर्स्ट स्पेशल केस इज इफ x lies between 0 to 2c then we change the limit. इसके पहले जो हमारा लिमिट था वो माइनस सी से प्लस सी के बीच में था. अब जो लिमिट हमारा होगा 0 से 2c के बीच में होगा. सो फॉर्मूला जो है हमारा सेम टू सेम रहेगा, हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो सेम रहेगा c टाइम्स e नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस समेशन n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. दैट मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन था माइनस सी टू प्लस सी, अब हमारे जो स्पेशल केस जो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 0 से 2c के रिस्पेक्ट में है. सो इंटीग्रेशन यहाँ 0 से 2c के रिस्पेक्ट में होगा. नेक्स्ट नंबर टू, फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. कोसाइन सीरीज के लिए क्योंकि ए एन का टर्म जो होता है वो कॉस के टर्म्स के साथ रहता है सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए बी एन का टर्म जो है वो जीरो होगा. सो इस केस में 0 टू c एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी बाई टू ए नॉट स्क्वायर बाई टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर, ये टर्म हमारा होगा. नेक्स्ट फॉर हाफ रेंज साइन सीरीज, साइन सीरीज में ए एन का वैल्यू जीरो होगा और ए नॉट का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि इसके पहले हम लोग हाफ रेंज सीरीज में देख चुके हैं कॉस और साइन सीरीज में. तो साइन सीरीज में ए नॉट और
एन जीरो होगा, तो इस केस में हो जाएगा समेशन जीरो टू सी एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी बाई टू समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन स्क्वायर एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज समेशन ए टू बी एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यहां पे बी माइनस ए का टर्म है, इज इक्वल टू हाफ। तो ये है हमारा पर्सेवल फॉर्मूला और इसका प्रूफ। पर्सेवल फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इस प्रॉब्लम्स का हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमारा फूरियर सीरीज के जितने भी डिफिनेशंस या फिर जो भी डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑल द डेरिवेशंस एंड द फॉर्मूलास रिलेटेड टू फूरियर सीरीज़।